हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। तो प्यारे बच्चों और हमारे सभी प्यारे प्यारे टीचर्स, मेरे कलीग्स टीचर्स, और उन सभी का शुक्रिया जिन लोगों ने एक बार मुझे कह करके ये कहा कि सर इस पेपर का आप सोल्यूशन बनाइए। हम बात कर रहे हैं क्लास एलेवेंथ कक्षा ग्यारहवीं के फाइनल एग्ज़ाम पेपर 2022-23 स्कीम का, 2023 में जो हुआ है पेपर, इसकी हम बात कर रहे हैं। सब्जेक्ट रहा है फिजिक्स का, और आप सभी टीचर्स ने कहा है, कमेंट किया है कि हमें इस पेपर का सोल्यूशन चाहिए। तो आपके ही डिमांड पर मैं ये पेपर का सोल्यूशन आपके लिए लेकर के यहाँ पर आ रहा हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास एलेवेंथ की फिजिक्स का पेपर, और ये पेपर पूछा गया है एमपी बोर्ड में। सो हम करने वाले हैं एमपी बोर्ड की फिजिक्स का डिटेल्ड कंप्लीट सोल्यूशन। तो दोस्तों, इसका सबसे पहले मैं पार्ट वन आपको दे रहा हूँ। ओके, पार्ट वन मैं आपको इसका कंप्लीट करा रहा हूँ। चलिए तो आइए स्टार्ट करते हैं, सोल्यूशन देखेंगे पार्ट वन में। तो ये है आपके सामने जो आपका पेपर आया हुआ है। मैं बारी बारी से वन बाय वन सारे क्वेश्चंस आपको कराने की कोशिश करूंगा, सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपको कराए जाएंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है। थोड़ा सा पेन का मैं साइज बोल्ड कर लेता हूँ जिससे समझ में आए और आप लोग को मज़ा भी आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सेक्शन, सारे सेक्शंस आपको पता हैं, यहाँ लिखा भी हुआ है कि फर्स्ट क्वेश्चन में एक मार्क्स के सात क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वन बाय वन हम करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या है। प्रकाश वर्ष मात्रक है। तो भाई प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? बहुत सारे बच्चों ने देख करके लगाया है, वर्ष लगा है मतलब समय लगाया होगा, बट ये समय बिल्कुल नहीं है। प्रकाश वर्ष जो होता है दूरी का मात्रक होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों दूरी। अब आइए देखते हैं बहुत ही, तो पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था कि जो प्रकाश वर्ष है ये किसका मात्रक है, ये दूरी का मात्रक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक कार 5 सेकंड में 0 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार प्राप्त कर लेती है, मतलब इस कार की जो इनिशियल प्रारंभिक वेग था कितना था, 0 मीटर पर सेकंड, और फिर इसके बाद कार का अंतिम वेग v इज इक्वल टू कितना हो गया, 90 मीटर नहीं है किलोमीटर पर सेकेंड है भाई, 90 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो देखो भाई साहब थोड़ा सा यहाँ पर खतरनाक वाली बात होने वाली है, क्योंकि क्वेश्चन का त्वरण पूछा गया और सारे ऑप्शन मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो 90 किलोमीटर पर आवर देखो, ओके 90 किलोमीटर पर आवर। अब स्टार्टिंग प्रारंभिक वेलोसिटी तो जीरो है, तो जीरो यानी मीटर पर सेकंड में हो या किलोमीटर पर आवर में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो जीरो तो जीरो होता है। वी फाइनल वेलोसिटी कितना है, 90 है, 90 को मीटर पर सेकंड में बदलो। क्या सिखाया था मैंने, मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, 5/18 का मल्टीप्लाई कर दो। तो 5/18, 18 से अपने मल्टीप्लाई करिया 5 बार, और ये कितना आ गया आपके पास, 25 ओके मीटर पर सेकंड। ये आपका आ चुका है क्या, वेलोसिटी। अब आपको निकालना है त्वरण, निकालना है कितना सेकंड है, 5 सेकंड का गैप है। तो त्वरण का फॉर्मूला आप लोग आई होप सब लोग जानते होंगे, ए कितना होता है, ए इज इक्वल टू होता है डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, ठीक है ना। चलिए मैं कलर का पेन का कलर चेंज कर लूँ, रेड कलर में आ गया हूँ मैं। ओके, सो व्हाट इज ए, ए इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। ओके, ये होता ना, ए इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, डेल्टा वी मतलब चेंज इन वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी 25 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, अपॉन टाइम कितना है, टाइम है 5 सेकंड, 5 कितना सेकंड। तो देखो क्या होगा आंसर, 5 से 25 बार गए कितना हुआ आंसर, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आंसर, इसका आंसर होगा ए, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला, निम्न में से कौन सी राशि संवेग में परिवर्तन के तुल्य है। तो संवेग में परिवर्तन मैंने पढ़ाया था संवेग आवेग पर थ्योरम, तो डेल्टा पी इज इक्वल टू कितना था, आई। संवेग में परिवर्तन किसके बराबर होता है, आवेग के बराबर होता है। तो कौन सी राशि संवेग में परिवर्तन के तुल्य है, तो आपको एक थ्योरम पढ़ाई थी मैंने, संवेग आवेग थ्योरम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा इसका सी, आवेग। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते आगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कथन सत्य है, आपको सत्य कथन बताना है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, किसी बल युग्म का अघूर्ण उस बिंदु पर निर्भर नहीं करता जिसके प्रत्यय अघूर्ण ज्ञात करते हैं। किसी बल युग्म का अघूर्ण युग्म बनाने वाले बलों पर निर्भर नहीं करना। देखो भाई आपको सत्य कथन बताना है ना, बल युग्म का अघूर्ण युग्म बनाने वाले बलों पर निर्भर नहीं करता है, ये तो बिल्कुल ही गलत बात है, असत्य होगा ये, है ना, ये वाला पार्ट क्या हो गया, बिल्कुल असत्य हो गया। अगला, किसी बल युग्म का अघूर्ण युग्म बनाने वाले बलों की क्रिया रेखा के मध्य दूरी पर निर्भर नहीं करता है, ये भी बिल्कुल असत्य हो गया भाई। बल युग्म का अघूर्ण का फॉर्मूला ही होता है बल गुणे क्रिया रेखा के बीच की दूरी, है ना, तो ये भी असत्य हो गया। क्यों, क्यों कह रहा, दूरी निर्भर नहीं करता, बट निर्भर करता है। ओके,
तो ये भी असत्य है, ये भी असत्य है। पहला वाला क्या है, किसी बल को आघूर्ण उस बिंदु पर निर्भर नहीं करता जिसके परितः आघूर्ण ज्ञात करते हैं। देखो भाई, यहाँ पर कह रहा है कि उस बिंदु पर निर्भर नहीं करता जिसके परतः आघूर्ण ज्ञात करते हैं। चलिए तो थोड़ा डिटेल में जाके देखिए पहला लाइन क्या होगा। देखो जब आप बलाघूर्ण निकालते हो ना, तो बलाघूर्ण में मतलब उस अक्ष से होता है जिसके परतः आप निकाल रहे होते हो। ओके, जैसे ये बिंदु है, अब इस बिंदु का आघूर्ण आप इस अक्ष के परतः निकालोगे तो आपको मतलब किससे होता है, आपका एक्सिस से मतलब होता है, इस अक्ष से मतलब होता है, बिंदु से कोई मतलब नहीं, उसमें तो बिंदु तो बहुत सारे रहते हैं। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर मैं लगाऊंगा क्या, आ ए वाला, क्योंकि इसलिए क्योंकि उपरोक्त तीनों कथन सत्य है। देखो ये तो सत्य है, बट ये टोटली असत्य है, बिल्कुल ही असत्य है, ये भी टोटली असत्य है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से सर्वाधिक प्रत्यास्थ कौन है। तो प्रत्यास्थ के लिए कैसे निकालते हैं, वाई यंग मापांक बराबर होता है प्रत्यास्थता, सॉरी प्रतिबल बटे विकृति होता है ना, इसको सही कर लेंगे। यंग मापांक जो होता है, प्रत्यास्था गुणांक जो हुआ करता है, वो क्या हुआ करता है, वो होता है प्रतिबल बटे विकृति। ओके, प्रतिबल बटे विकृति। तो भाई साहब पहला कह रहा विकृति, देखो प्रत्यास्था ज़्यादा चाहिए, प्रत्यास्था ज़्यादा मतलब यंग गुणांक ज़्यादा चाहिए, मतलब विकृति सबसे कम होना चाहिए। तो विकृति सबसे कम किसकी आएगी, इस्पात की आएगी, है ना, इस्पात की विकृति क्या होगी, सबसे कम होगी। इसलिए सबसे ज़्यादा प्रत्यास्थ जो दिया गया है वो क्या होगा, इस्पात होगा यहाँ पे, क्योंकि इस्पात की विकृति यहाँ पे सबसे कम होगी। ओके, इस्पात को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जरा मैं कंफर्म कर लूँ, इंग्लिश मीडियम भी इसमें था ना, ओ वेट 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 वेट, यस इस्पात को स्टील बोलते हैं। ओके, तो इस्पात को क्या बोला जाता है, स्टील बोला जाता है। स्टील की जो विकृति होती है वो सबसे ज़्यादा होती है ना, सॉरी सबसे कम होती है। इसलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रत्यास्थ कौन सा हो सकता, इस्पात होगा, यानी स्टील होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है श्यानता गुण है, श्यानता मीन्स विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी किसका गुण है, देखिए तो आप जानते हैं विस्कोसिटी, आपने पढ़ा था कि श्यानता को क्या गुण, किसका गुण है, ये तरलों का गुण होता है। और तरल में दो हुआ करते हैं, एक द्रव होता है और दूसरा क्या होता है, गैस होता है। तो करेक्ट ऑप्शन देखिए, ठोस हो नहीं सकता, यहाँ पे द्रव है गैस है दोनों हैं, केवल गैस भी गलत है, केवल द्रव भी गलत है। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, बी आंसर होगा। ओके, तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, द्रव एवं गैस का। सो सिंपल पेपर जा रहा है अभी तक। तो अगला पेपर देखते हैं, रुधोष्म प्रक्रम के लिए कौन सा सत्य है। रुधोष्म प्रक्रम, इंग्लिश में इसको एडियाबेटिक प्रोसेस बोलते हैं, कौन सा सत्य है। सो वी नो बाय द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा क्यू दी गई ऊष्मा बराबर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, यू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ओके, मतलब आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन और किया गया कार्य। तो आपको पता है कि जो रुधोष प्रक्रम होता है उसमें दी गई ऊष्मा कुल कितनी होती है, शून्य होती है। तो जीरो इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। आंसर चमक रहा है हमारी आंखों के सामने, करेक्ट आंसर क्या है, डी है। ओके, करेक्ट आंसर हमारे पास क्या बन रहा है, डी बन रहा है हमारे पास करेक्ट आंसर, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ डेल्टा डब्ल्यू। ओके, तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, डी होगा। चलिए आइए देखते हैं, पहला शीट हमारे पास हो चुका है, फर्स्ट के सारे हमने कर लिए हैं। डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल्टा यू। इंग्लिश मीडियम में जो बच्चे एक बार फिर से देख लें, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ओके, एंड हियर द एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड द क्वांटिटी विच इज इक्विवेलेंट इज ए इम्पल्स। ओके, एंड हियर द ऑप्शन करेक्ट इज ए, एंड हियर द स्टील इज करेक्ट। ओके, एंड विस्कोसिटी जो होता है वो किसका प्रॉपर्टी है, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, एंड इसका आंसर क्या था, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। करेक्ट आंसर इसका डी था, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। सो गाइज, ये था हमारा पहला पार्ट, थोड़ी देर में मैं इसका सेकेंड पार्ट लेकर के आऊँगा। कैसा लगा आपको पहला पार्ट, बताइएगा जरूर कमेंट में। थैंक यू सो मच फॉर बींग विद लोकेश सर अनलिमिटेड।